बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। टोल हटाओ जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टोल के चारों तरफ काम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हर सी की आवाज़। 14 तारीख को यहाँ से किसानों का धरना उठ गया था कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। अब कल से फिर टोल प्लाजा पर इस ग्रामीण क्षेत्र के 5-6 गांव के लोगों ने यहाँ पर फिर से टोल फ्री कर दिया है और टोल पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमारे साथ विभिन्न गाँव के क्षेत्रवासी हैं, इनसे जानेंगे कि ये स्टेप क्यों लिया। जब आपका किसान का धरना उठ गया था तो ये मजबूरन स्टेप क्यों लेना पड़ा, हमें बताइएगा। कल से आप यहाँ टोल प्लाजा पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। मेरे साथ हैं, पहले मैं राठी जी से ही जानूंगा, मनोज राठी जी एक बहुत बड़े ऑरेटर हैं, आइए बात करते हैं। बताइए राठी जी, क्या बात है? ऐसे है जी, हम तो दुष्यंत वाली बात ना आगे बढ़ावा हाँ। क्या बात, 3-4 साल पहले उरा खड़ा होकर की मार के गया था, बोला वो टूल इलीगल है, लीगल नहीं है। यो बोला इसार यहाँ 80 से 30 किलोमीटर दूर होना चाहिए। वो बोला जैसे ही हमारी सरकार आवेगी सबसे पहले बोला मैं इस टूल का पिलर पाड़ूंगा। हम तो उसने याद दिवावा ढोल बजा बजा के। ये दरअसल के हैं दुष्यंत और जो नेता हैं, ये सत्तामान पहले तो सारी दुनिया ना इलीगल दिखे और जैसे ही कुर्सी मिल जाए सारा सौदा लीगल हो जाए। आज मेरा सवाल दुष्यंत चौटाला से है, उस दिन तू यहाँ बैठ के झूठ बोला था के और सच ही बोला था तो इसने पढ़वा भाई। आज तो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बैठे है, पढ़वा इसको। आज किसानों की यह मांग है कि इलीगल है तो इसको पाड़ो, लीगल है तो दुष्यंत स्टेटमेंट दे भाई वो लीगल है। और उसके बाद में इसके चारों तरफ जो गांव है, देखो इसके चारों तरफ गांव है भाई साहब, 5 गांव तो फ्री कर रखे है ना, एक भी को नहीं कर रहा क्या? झूठे हैं ये, कोई काम फ्री नहीं कर रहा क्या? ये तो लट लेगी बैठे हैं, बंदूक वाले बुला लिए टूल वाला ने, मैं कोई बकवास करेगा उसका गोली मारेंगे। सच्चाई ये कोई फ्री नहीं कर रहा क्या? एक बात बताओ जी, ढाणी के तो ऊपर की जमीन कट रही है, इसमें रामायण की कट रही है, यो हमारा खेड़ा है, जम्मा सारा अलग है रोड का जम्मा सारा। भाई साहब सब्जी लेने भी माई अड जावा, सब्जी तो 20 रुपया की और टोल 150 रुपया का, कुंसी कून में बना जमीन तो न खोसली टूल बना दिया यो रोड बना दिया और ई मारा टोल टैक्स के नाम पे मारा शोषण करन लग रहे हैं। ये शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टोल कमेटी के पास बघाना और देपल के लोग गए थे, यानी कि उनमें भी टोल फ्री किया जाए उन गांव में, जैसे कि मैयड़ रामायण और अन्य 5 गांव में खरड़ा। ऐसे है 15 गांव दिए हैं भाई, 15 गांव के टोल फ्री होने चाहिए, जिसमें खरड़ अलीपुर रायपुर, रायपुर की ढाणी, मैयड़, लाडवा, बघाना, उमरा, सुल्तानपुर और ढाणी कुतुबपुर लालपुरा, ये जो नजदीक के हैं सारे के सारे देपल रामायण डंडेरी, इन गांवों के जो 12-15 गांव हैं ये फ्री होने चाहिए। और जितने भी प्रदेश के अंदर किसान हैं, जितने भी प्रदेश के अंदर खेती बाड़ी करने वाला है, चाहे ठेका पले की खेती बाड़ी करने वाला हो, चाहे आधे किले का किसान हो, उसका टूल भी फ्री होगा और ये सरकार ने करना पड़ेगा। जिस गाड़ी के किसान का झंडा बांध दिया वह गाड़ी फ्री टपेगी। अगर ये आसानी तो मानेंगे तो आसानी तो बनावाएंगे, नहीं तो हमारे पास दूसरा भी तरीका हम बनाने का। दुष्यंत गंदो टोल पाटा को नहीं और हम इसकी जड़ छोड़ना को नहीं। भाई साहब मेरे साथ है, क्या नाम है? विजय फौजी जी। बेसिकली वस्तुतः आपकी डिमांड बताइएगा मुझे, राठी साहब ने विस्तार से बताया। हमारी डिमांड तो यही है, ये टूल जो है ये बहुत अपनी मोनोपोली कर रहा है। इसका तो टूल लगाया उस टाइम पे कि ये कानून भी आता है कि अंडर 10 किलोमीटर में जितने भी गांव आते हैं उन गांव का टोल माफ होना चाहिए। तो हमारे ये 15 गांव है ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, 10 किलोमीटर के अंडर में आते हैं। तो हमारे इन 10-15 गांवों की ये डिमांड है कि हमारा टोल जो है ना माफ होना चाहिए। कल तो परसों दो गांव के लिए गए थे। नहीं, दो गांव के लिए नहीं गए थे, गांव तो शुरू से ही हमारी डिमांड तो 10 किलोमीटर के अंडर में जितने भी गांव है, 15 गांव पड़ते हैं, ये 15 गांवों की है। ये तो ये कह रहे हैं कि इन दो गांवों का माफ कर देंगे। अच्छा, ये हमारा नहीं, हमारा तो एजेंडा यही है कि 10 किलोमीटर के अंडर में जितने भी गांव पड़ते हैं, 15 गांव है ये, इनका सबका टोल माफ होना चाहिए। यहाँ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं लागू हो जाती है।
और इसके लिए हम किसी भी हद तक सरकार के खिलाफ जाने के लिए तैयार। सभी गांव के, ये आपका गांव कौन सा है जी? गांव मेरा कुतुबपुर है जी। कुतुबपुर, हाँ साहब बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैनन सिंह है सर, मैं ढाणे कुतुबपुर से हूँ। हमारा यहाँ बिल्कुल नजदीक में पड़ता है, अंडर 1 किलोमीटर, और अभी तक हमारा कोई भी टोल माफ नहीं हुआ है। हम घर से निकलते हैं तो 150 रुपये टोल देना पड़ता है, क्या ये सरकार वाजिब समझती है? अब धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे? नहीं, धरना प्रदर्शन की बातें तो करवाते हैं, ये लोग फूट डालते हैं। हमने पांच गांव माफ कर दिए क्यों? छठा गांव, सातवां गांव, आठवां गांव के आसपास के वो नहीं है, मतलब इनको फूट डालने सी बात है। एक्शन प्लान क्या है साहब? बिल्कुल क्लियर प्लान है। क्या प्लान आपके? दुष्यंत चौटाला तो भाई टूल पाट्या नहीं, उसने कह के गया था वो सत्ता में आने से पहले कि मैं कुआ लो, उनके कड़े दंड बैठक मरा लो, जैसे कुर्सी बैठ जाने फिर टूल वाले मोटी बोरी गिर गए मेरे ख्याल में। तो मन नू लाग सकसा कि संदूक बरकी दे के आए हैं, मार ला दुष्यंत तो बिना संदूक बिना मानना है कोनी। ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। हम बता दें कि 14 तारीख को यहाँ से किसान चले गए थे, लेकिन उनकी दूसरी मांग यहाँ पर है कि आसपास के सराउंडिंग्स के जितने गांव हैं उनके टोल फ्री होना चाहिए, और यहाँ पर प्रदर्शन इन्होंने चालू कर दिया है, और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी ऐसे ही टोल फ्री रहेगा और अपनी मांग मंगवा कर रहेंगे। ये सब साथी लोग हैं।